copper gad cables, German and American technology, now in Pakistan. Now international certificates ke saath. Copper gad. हमेशा से ही हम हमें के जिसको कहते हैं ना हम ऑप्शनों में से शामिल करें जो कि हम हमेशा इनके साथ था इब्तदाई दौर में से थे इनके साथ और दोस्तों का जब एक्सीडेंट प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था सादिया ने अभी ज्वाइन किया है उनसे बात कर लेते हैं। सादिया सबसे पहले तो बताइएगा आज आपको लाहौर आके सितार साहब एक्सीलेंट ने जो क्लास करवाई कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने ना। और वैसे भी इनकी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं और इनकी 200 क्लास हो गई हैं, बहुत बड़ी बात है ये कि 200 क्लास करना छोटी बात नहीं होती। तो बाकी मैं ब्राइड अपनी फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ इनके पास, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया इन्होंने। बस बताएं सियालकोट में आप कितनी देर से काम कर रही हैं और किस नाम से आपका सलोन है? मेरा सलोन है स्मार्ट चाट के नाम से और मुझे काम करते हुए तकरीबन 24 साल हो गए हैं। 24 साल में आप लाहौर के फैशन में और सियालकोट में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ पर भी लोग मेकअप को और फैशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क होता है लाहौर के मेकअप में और सियालकोट गुजरांवाला या दूसरे शहरों में? सियालकोट तो सियालकोट है, फिर सियालकोट में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लाहौर में भी हैं, पर मैं तो सियालकोट को जानती हूँ और सियालकोट तो मुझे सियालकोट ही लगता है। मुझे ये बताएं कि आज आप अपनी ब्राइड भी तैयार करके लेके आई हुई हैं, आज आपने इनको कौन सा मेकअप किया हो इसके हवाले से थोड़ा सा? मैंने मॉडर्न मेकअप इसे दिया हुआ है और ये मेरा अपना ही सिग्नेचर मेकअप है जो इसे मैंने दिया हुआ है और मैंने इसकी मुख्तलिफ काफ़ी दफ़ा लुक्स की हुई है ना, तो इसका मेकअप तो मैं आंखें बंद करके कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ उसकी क्या रीज़न है? बस मुझे शौक है इस चीज़ का ना, मैं यानी कि मेरे अंदर है एक आर्ट, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ फिर भी मुझे जो है ना इस काम का जुनून था और 24 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। आपके ख्याल से जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अभी बोला नहीं, एक होता है ना लोग कहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो इतना टैलेंट नहीं रखते, मैं कहती हूँ जो अनपढ़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंट रखती हैं। अच्छा, मेकअप मेकअप आर्टिस्ट सादिया हमारे साथ ही, उनकी मॉडल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं ये सादिया ने आपको एज अ बतौर मॉडल लिया है, आप इससे पहले मॉडलिंग करती रही हैं या आप इनकी स्टूडेंट हैं? क्योंकि अक्सर होता है कि अपने स्टूडेंट्स को ही मॉडल बना के तो उस पर मेकअप करके तजर्बे किए जाते हैं। नहीं, मैं पहले भी मॉडलिंग करती रही हूँ और इनके पास ही अब करती हूँ मॉडलिंग। मुझे ये बताएं कि सितार साहब की क्लास आपको कैसी लगी? एक्सीलेंट कॉलेज ने आज क्लास जो की है इसमें आके आपको कैसा लगा? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है मुझे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी सारा इन्जॉय भी किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शीरिन मलिक और मैं शीरिन ब्यूटी जोन से मेरा ताल्लुक है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक्सीलेंट कॉलेज के साथ मेरा 3 साल से ताल्लुक है और मैं यहाँ पे भी टीचिंग करती हूँ और मेकअप सिखाती हूँ अपनी स्टूडेंट्स को। आज हमारा 200 इवेंट चल रहा है जो कि बड़ा शानदार है, पिछले 199 इवेंट्स में भी हम लोग शामिल होते रहे लेकिन आज एक इवेंट्स की और ही बात है क्योंकि आज हमारे 200वां इवेंट कम्प्लीट हो गया और बड़े अच्छे बखूबी सर अब्दुल सार के साथ हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया इस इवेंट को और आने वाले तमाम इवेंट्स में भी इंशाल्लाह हम शामिल रहेंगे और अपने स्टूडेंट्स को जो जो हम लोग हमारे अंदर काबिलियत है हम कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी डाल सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्सीलेंट की तरफ से आई हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लास ली है, ठीक है, मैं अपनी बॉर्डर को भी लेकर आई हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और यहाँ पे सर अब्दुस्तान ने बहुत अच्छी यहाँ पे इवेंट दिया और यहाँ पे जब क्लासिंग हो रही है सब बहुत अच्छे तरीके से क्लास ले रहे हैं, मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया शहजाद है और मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट और मेरे सलोन का नाम है शाजिया सलोन और मैं यहाँ एक्सीलेंट सेकेंड सेंचुरी अवार्ड शो में आई हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट किया हुआ था सर अब्दुल स्तार ने और मैं चाहती हूँ इस तरह की क्लासेस होती रहनी चाहिए जिस तरह की सर अब्दुल स्तार करवाते हैं, बहुत ही नॉलेज वाइज क्लास होती है। यहाँ पे अभी भी मेकअप डेमो चल रहा है और स्किन और हेयर के रिलेटेड
बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जो सीखना चाह रही होती हैं मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल रहा होता, तो उनके लिए बेस्ट है एक्सीलेंट कॉलेज में बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है और सर अब्दुल स्तार बहुत अच्छी क्लास करवाते हैं, तो इनकी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन फ्रॉम एक्सीलेंट हेयर एंड ब्यूटी आर्ट कॉलेज की तरफ से। आज हमारा 200वां इवेंट हो रहा है फ्लैटीज होटल में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है, और 199 इवेंट्स जो कि सीईओ हैं एक्सीलेंट कॉस्मेटिक्स के सर अब्दुल स्तार साहब 199 इवेंट्स करवा चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त हमने ट्रेनिंग दिया बच्चियों को। आजकल के दौर में कोई भी दिल से नहीं सिखाता, लेकिन एक्सीलेंट का मकसद ये है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, उनको हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो अपना घर का किचन चला सकें। और मेरा अपना खुद का ज़ाती सैलून भी है फाइन एंड शाइन के नाम से, और एक्सीलेंट कॉलेज में भी मैं क्लासेस देती हूँ। मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ और हेयर की क्लासेस देती हूँ ब्रीमोट ब्रांड पे एक्सीलेंट में, और 6 माह का कोर्स भी करवाते हैं हम एक्सीलेंट में, और 1 ईयर का भी करवाते हैं, और फिर डिप्लोमा देते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।